हेलो गाइस, मस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। लेटेस्ट में मैं बताना चाहूंगा पाई को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी। और अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा और इस मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जरूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जितने ज्यादा अपडेट चाहिए तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। चलिए, हम मोबाइल के स्क्रीन पे ही कुछ दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि लेटेस्ट में सिस्टम ने जो भी अपडेट दिया है बहुत अच्छा किया है और पूरा वर्ल्ड वाइड में फेमस है। ऑलरेडी जो है ब्राउज फीचर में जाकर यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना KYC माइनेट, मगर आपको मैं बताऊंगा जहाँ पे पाई माइनिंग करते हैं। तो चलिए, हम इसकी मोबाइल के स्क्रीन यहाँ पे देखिएगा, पाई को मैंने खोल दिया है। लेटेस्ट में अपडेट दिया था, आपको मालूम भी होगा, पाई इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम, जो ऑलरेडी बोला जा रहा है कि प्रोफाइल में जाकर अपने अपडेट को ऑन करना है, मैंने आप प्रोफाइल जाके अपडेट करना है वहाँ पे ऑन करना है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। तो ये चीज आपको अपडेट के बारे में मालूम ही होगा, तो इससे रिलेटेड मैं नहीं बात करूंगा। चलिए, हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, माइनेट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है थ्री नीचे करेंगे माइनेट चेक लिस्ट, ये चीज को पूरा कंप्लीटेड करना है। यहाँ पे लिखा है 184 दिन, आपको लिखा है 140 डेज, इसमें कंप्लीटेड करना है। जो हरा ग्रीन ग्रीन हो चुका है, मगर ये येलो वाला जो है खत्म नहीं हुआ है, मेरे पास है। तो कुछ ना कुछ इसमें पेंडिंग होगा, तभी जाके होगा। तो इसका पेंडिंग ये है कि मोबाइल वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए पेंडिंग दिखा रहा है। और जिनका ऐसे होगा तो मोबाइल वेरीफाई कर लें। और देखिए, इसमें उम्मीद है, ऐसी नहीं, ये जो है पाई जो आप समझ रहे हैं, पाई यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट। मैंने अक्सर ये एडवर्टाइज चल रहा है, ये एडवर्टाइज रुकने का नाम नहीं लेता। और सीधी सी बात है कि यह पूरा वर्ल्ड वाइड में ये चल रहा है, एक कंट्री में नहीं है, सब लोग इसमें जी जान से लगे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोग पाई के यूज कर रहे हैं। तो देखिए, पाई जो है पूरा, हम समझ रहे हैं कि पूरा ये वर्ल्ड वाइड में है, इसका जो है छोटा मोटा ये नहीं है। और इसका ट्विटर पे भी आइए, हम दिखाते हैं, कोई पाई का अपडेट हो तो वहाँ पे भी दिखा देते हैं। तो लेटेस्ट में मैं बताना चाहूँगा कि पाई जो है छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, जो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं पाई को अहमियत दें, क्योंकि पाई बहुत कुछ करने वाला है मेरे भाई, समझ रहे ना। तो पाई बहुत कुछ करने वाला है, 60 मिलियन आपको पता होगा, पहले ही अपडेट आया था। उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 4 सितंबर का हैप्पी डे, इसके बाद जो है कोई अपडेट अभी लेटेस्ट में कुछ नहीं आया है, ओपन पार्टनरशिप और ये आया है। अभी जो है मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी खबर, आपको स्टेप बाय स्टेप समझने की जरूरत है कि पाई को लेके, जैसे क्वाइन मार्केट के पे अक्सर किसी एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, मगर क्वाइन मार्केट के पे रेट दिखाता है। जैसे यहाँ पे सर्च में गए और यहाँ मारेंगे पाई सर्च, ठीक है, पाई आ गया। पाई आने के बाद जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ $44.21 का इसका रेट है, लेटेस्ट में देख सकते हैं, इसका कम्युनिटी भी ठीक ठाक है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमको लग रहा है कि पाई एक ऐसा उम्मीद है जो ना उम्मीद चाहते हुए भी उम्मीद यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका रेट बहुत हाई रेट में है, बिटकॉइन की जैसे इसका रेट आगे चल के बढ़ सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट में इतनी प्राइस है कि मैं क्या ही बताऊं। यहाँ पे देखते हैं बहुत ज्यादा इसका प्रॉफिट में अभी चल रहा है, लॉस में बहुत कम जा रहा है। सेलर की तादाद ज्यादा है, बायर की संख्या, सेलर की सॉरी सेलर कम है, बायर की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं, इसके अनुमान लगा सकते हैं। बेटर है कि देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए, पाई जो है भविष्य है, पाई के बारे में सुन लीजिए कि पाई एक क्या है, भविष्य है, जिसको रोकथाम के रखने की जरूरत है। पाई पूरा वर्ल्ड में चल रहा है, मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ और कितने बड़ा ये प्रोजेक्ट है ये भी बात बोला हूँ, क्योंकि एक कंट्री में नहीं चलता। देखिए, चाइना में चलता है, ऑस्ट्रेलिया में चलता है, USA में चलता है, दुबई में चलता है, माने कौन ऐसी कंट्री है जहां नहीं चलता है, इंडिया में भी चलता है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है होटल, बड़ा बड़ा होटल में, चाहे कोई शॉप में, अक्सर ये देखे होंगे ऐसे ऐसे जो है पाई विदेश में यूज किया जाता है, गल्फ सारी कंट्री में यूज किया जाता है। पाई से जो है आसानी से कोई वस्तु लेन देन कर सकते हैं, सेल बाय कर सकते हैं, तो इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो पाई को समझने की जरूरत है, जितने ज्यादा माइनिंग करेंगे, जितने ज्यादा टीम बनाएंगे, जितने ज्यादा टीम आपका माइनिंग करेगा, उतने ज्यादा विड्रॉल होने का चांस बनेगा। और सबसे जरूरी है कि पाई का एक नियम एंड रूल रेगुलेशन है कि अगर 33 से अबव जब पाई होगा तभी जाके KYC का ऑप्शन आएगा, अन्यथा जिसका माइनिंग अगर रेगुलर आदमी नहीं कर रहा है, 33 नहीं आया पाई, तो बुझिए कि आपका KYC पेंडिंग में रहेगा, ये बात समझ लीजिए। और KYC पेंडिंग में रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरे भाई, ये कराए पे पानी फिर जाएगा। तो ये बात समझने की जरूरत है, सबको KYC कराइए, अपना भी कीजिए, टीम को भी करवाइए, और सबको करना जरूरी है। जितने ज्यादा KYC कीजिएगा तो
तो एक फिक्स टाइम दिया गया है, लास्ट टाइम दिया गया है। लास्ट टाइम के बाद जो है ये पूरा धूम मच जाएगा, क्योंकि ये जो है फाइनली लॉन्च करने वाला है, और हो सकता है कि स्टार्टिंग में 2025 के स्टार्टिंग में ही ये लॉन्च होगा, क्योंकि पाई जो है जो वादा के मुताबिक काम करता है, जैसे टारगेट रखता है उसी के हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पे उम्मीद बनता है कि 2025 में पाई जो है बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है, क्योंकि लिस्टेड हो जाएगा वहां पे, पाई को सेल करके आप ज्यादा से ज्यादा लाखों करोड़ों का इनकम कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा पाई रहेगा उतने ज्यादा इनकम होगा। ये बात समझने की जरूरत है, क्योंकि पाई आपकी भविष्य को, तकदीर को संवार सकता है। बहुत लोग हवड़ा के बेच देते हैं, कोई जरूरत नहीं होता है, तो भाई सोच समझ के बेचिएगा। ऐसे एक मजबूरी होता है वो अलग बात है, बिना मजबूरी का शौक से बेच रहे हैं तो बेटर है कि रोकथाम के रखिए। उम्मीद रखिए जिस दिन लिस्टेड हो जाएगा उसी दिन जो है सेल कीजिएगा, उसी पीरियड में सेल कीजिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक कर पाइएगा। और लालच में आइएगा तो भाई लालच क्रिप्टो वाला है, स्टॉक मार्केट क्रिप्टो में कोई गारंटी नहीं होता है मेरे भाई। अगर कोई चीज पंपिंग कर रहा है, पंपिंग पे भी काम नहीं किए और लो लॉस्ट में आ जाइएगा, तो सीधे फिर जहां से उठता है ना वहीं नीचे आता है। ये बात समझा कीजिए, ये बात पूरा सेंसिटिव लगा के, दिमाग लगा के रखना है कि हमें क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है मेरे भाई। तो जो मैं बात कहा वो परफेक्ट है, इसलिए मैं कहूँगा कि जाते जाते इसमें आप अपना, अपने टीम पे पूरा फोकस कीजिए और माइनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैं यही कहूँगा। और लेटेस्ट में कोई अपडेट और आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा, इसलिए मैं कहूँगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि ये बात पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।